नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश में। अगर आप भी अपने Realme 13 Pro के फ़ोन को जो है फिनिश सेटिंग ऑफ योर फ़ोन ऐसा नोटिफिकेशन में दिखा रहा है, इसको सही करना चाहते हैं या आप जो इसको सेटिंग को करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में बताएंगे। बार बार ये जब तक नहीं करेंगे नोटिफिकेशन में दिखाएगा, तो आप इस नोटिफिकेशन को स्लाइड करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। राइट साइड स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देख पाएंगे यहाँ पे चेकिंग करेगा और फाइनली आप लोग यहाँ पे वेट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस जब दिखाई दे तो राइट साइड आप लोगों को सबसे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट साइड सबसे नीचे है कैन एड मी ओल्ड डिवाइस का ऑप्शन, तो लेफ्ट साइड जो ये ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन देगा, आप ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे चेकिंग करेगा, चेकिंग करने के बाद यहाँ पे आप जो है 2-4 सेकंड वेट कर लीजिए। राइट साइड नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा, आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर जो है आप फेस लॉक लगा सकते हैं। राइट साइड नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपको नीचे आना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, फिर आप नीचे आएंगे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे राइट साइड। अब इसके बाद जो यहाँ पे दे रहा है ओके गूगल, जो लिख रहा है सेम यही चीज़ आप लोगों को बोलना है। ओके गूगल 5 मिनट का टाइमर लगाओ, जो चीज़ बोलेंगे एक कैच करेगा और फाइनली जो चीज़ आपको यहाँ पे लिखे ये सारा चीज़ आपको एक एक करके बोलना होता है गूगल मुझे, तो यहाँ पे पूरा आप लोग जो बोलिएगा इसके बाद ये कैच कर लेगा, 100% पूरा हो जाता है। जस्ट वेट करेंगे, राइट साइड सबसे नीचे आएंगे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिले तो आप लेफ्ट साइड नीचे नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। नो थैंक्स कर देंगे बस, यहाँ पे 2-3 सेकंड में आपका फ़ोन रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल से हट चुका है, आप देख सकते हैं।